नमस्कार दोस्तों, मैं सिवानशु सुरेश टेक्फ्यूजन आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे मेरे पास में पोको है फ़ोन, और इसमें जो अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं MIUI 11 एंड्रॉयड 10 वाला मी रोम, जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया फाइल और इंटरनल स्टोरेज में रख भी लिया है। तो चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले पावर एंड वॉल्यूम आपकी को एक साथ में दबा के रखना है, और हम चले जाएंगे अभी रिकवरी मोड में। तो ये देखिए, हम जो जैसे लोगो आ गया तो हमने इसे छोड़ दिया और हमारा फोन जो अभी रिकवरी मोड में आ जाएगा। उसके बाद हमें रोम इंस्टॉल करना है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं MIUI 11 और जो स्टॉक वाला है वही मैं यूज कर रहा था, स्टेबल वाला। तो अभी हम इसे अपग्रेड कर रहे हैं एंड्रॉयड 10 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम आने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, वाइप में जाना है। आपको फोर वाइप करना है, एडवांस वाइप करना है, डेलविक सिस्टम डेटा और कैश। और ये रोम फ्लैश करने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपका जो वेंडर है, वेंडर आपका जो लेटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। तो चलिए सिस्टम वाइप मैंने इसे कर दिया, तो ये हमारा जैसे हो गया वाइप। अभी आता हम इंस्टॉल में MIUI 11, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास में पोर्ट MIUI मी रोम 9.10.3.1। तो ये जैसे 31 वाला एंड्रॉयड 10 वाला जैसे उसको पोर्ट किया गया हमारे फ़ोन के लिए, अच्छी बात है। इसके अलावा हमारे पास में एक और भी पोर्ट है MIUI 11 एंड्रॉयड 10 बेस्ड पे, जो कि स्टार एक्स, ये आप देख सकते हैं स्टार 6 पोर्ट करके पोर्ट किया है, बट ये हम थोड़ा सा बाद में ट्राई करेंगे। पहले हम सब अभी आज मी रोम ट्राई करने वाले हैं। इसके साथ जैसे मैं यहाँ पे DFE भी साथ में ऐड कर दे रहा हूँ, जो कि हमारा डिसेबल फोर्स इनक्रिप्शन है, और इसे हम कर देते हैं स्वैप टू इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल होगा हम करेंगे इसे रिबूट। जस्ट हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये हमारा सो फ्लैश हो जाता है। आप देख सकते हैं पोर्टल MIMIROM.RU। ओके, तो हमारा रोम फाइल और DFE दोनों जो एक साथ में फ्लैश हो चुका है, देख सकते हैं। तो अभी जो हम करते हैं इसे रिबूट टू सिस्टम, एंड हमारे सो OS नहीं डिटेक्ट हो रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड 10 के अंदर में जो OS डिटेक्शन नहीं होता है, पुराना वाला जो रिकवरी है। अभी जो मैं इसका रिकवरी भी चेंज करूँगा, अपग्रेड करूँगा। ओके, तो सर जस्ट हमें वेट करना है जब तक हमारा फ़ोन जो सो अपने सिस्टम में बूट अप हो जाता है। तो हमारा फ़ोन जो सो बूट अप हो चुका है, और अभी जो मैं इसे फटाफट से सारा का सारा इनिशियल सेटअप कर ले रहा हूँ, एंड देन आपको जो इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये रहा हमारे पास में MIUI 11 पोको F1 के अंदर, और ये जो सो एंड्रॉयड 10 बेस्ड है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूँ, पहले ही कि एंड्रॉयड 9 हो या एंड्रॉयड 10 हो, आपको जैसे थोड़ा बहुत स्पीड में चेंजेस देखने को मिलेगा, बट आपको MIUI 11 के जो फीचर्स है वो आपको दोनों में ही सेम रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एंड्रॉयड 10 के ऊपर में बेस्ड ऑन है ये रोम, बट स्टिल ये जैसे आपको सेम टू सेम एज इट इज़ जो कि MIUI 11 एंड्रॉयड 9 के ऊपर में मिलेगा, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी एंड्रॉयड 10 वाले बेस के अंदर में भी मिलने वाला है, ठीक है। हालाँकि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको स्पीड अप देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे एकदम फटाफट से सभी चीज़ें खुलता हुआ दिखेगा, एंड अभी मैं इसे जैसे फुल स्क्रीन डिस्प्ले लेके चलता हूँ, देन आपको जैसे गेस्चर एक बार चेक करवा दूंगा। सो वेयर इज फुल स्क्रीन, हो गए। सो हमारा यहाँ पे सर्च मैं कर दे रहा हूँ अभी, तो ये रहा हमारे पास में फुल स्क्रीन गेस्चर्स, जो कि एज इट इज जो आपको एंड्रॉयड 10 के अंदर में मिलता है वो सेम चीज़ आपको एंड्रॉयड 10 वाला जो आपको MIUI में पहले भी मिलता था, लेकिन आपको जैसे यहाँ पे अभी जैसे थोड़ा बहुत इन्हेंस मिलता है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ग्लिच लग रहा है। आप देख सकते हैं ये जैसे जैसे हम होम से रिसेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको हल्का सा ग्लिच ही दिखेगा। ये चीज़ जैसे मुझे थोड़ा सा अनोइंग सा लग रहा है, जो कि आपको एंड्रॉयड 10 का जैसे ऑफिशियल गेस्चर है वो भी MIUI वाले को रखना चाहिए, अगर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस देखा जाए तो, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे आपको जो काफ़ी चीज़ें चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, मेरे को ये सारी चीज़ें जो एंड्रॉयड 9 वाले भी MIUI 11 के अंदर में देखने को मिलता है। तो वही सेम चीज़ आपको डुअल वोल्टी काम कर रहा है, देख सकते हैं आपको दोनों में वोल्टी का आइकन भी है, एंड इसके अलावा आपको सेटिंग के अंदर में आपको जो MIUI के अंदर में जितनी भी सेटिंग MIUI 11 में जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी है। सिम कार्ड लैन कनेक्टिंग एंड शेयरिंग लॉक स्क्रीन, एंड यहाँ पे स्क्रीन टाइम दिया गया है, और डिस्प्ले के अंदर में आपको जो डार्क थीम मोड हो जाएगा, ये देखिए डिस्प्ले के अंदर में आप आएंगे तो आपको जो मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑन कॉल है, ये चीज़ें आप शेड्यूल कर सकते हैं, शेड्यूल डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा रीडिंग मोड है, कलर है, डार्क मोड है, डार्क मोड को आप जैसे शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर आप जैसे ग्लोबल डार्क मोड भी कर सकते हैं, अप्लाई डार्क मोड, ग्लोबल डार्क मोड। तो ये जैसे चीज़ें ऐप्स के ऊपर में भी ये जैसे डार्क मोड अप्लाई कर देगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे ग्लोबल डार्क मोड जो एडवांस फीचर है ये हमें एंड्रॉयड 9 वाले
MIUI 11 के अंदर में नहीं मिला था, जो कि इसका ऑफिशियल MIUI 11 है वो उसके अंदर में, ठीक है। इसके अलावा यूज MIUI न्यू फॉन्ट है, अगर आपको नया फॉन्ट यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, आपके MIUI रोबोट एंड आपको जो मॉबलिंग इस तरीके से नया वाला ये फॉन्ट यूज करने को मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको जो रिबूट करना हो एक बार, तो मैं अभी फिलहाल नहीं करना चाहता। तो हमारे पास में ऐसे VR अभी फिलहाल है नहीं, तो मैं इसे चेक नहीं करने वाला। नॉच एंड स्टेटस बार का आपको सेटिंग इसके अंदर भी मिल जाता है, आप जैसे इसको जैसो अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसो मी रोम है, मतलब कि मी रोम के अंदर आपको कस्टमाइजेशन बहुत सारे मिलते हैं, तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे यहाँ पे हाइड नॉच का भी ऑप्शन मिल जाता है, अलग अलग तरीके से आप नॉच को यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप जैसो ये जब आप ऊपर से शेड निकालेंगे तब ये जैसो चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूर दो चार एक पाँच है, इसको आप जैसे चेंज कर सकते हैं, 6 तक लेके जा सकते हैं। एंड एक्सटेंडेड शेड भी कर सकते हैं, इनकमिंग कॉल अगर रहे तो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। बैटरी इंडिकेटर आपका हो गया, यहाँ पे नोटिफिकेशन शेड स्टाइल्स हो गया, ठीक है, कनेक्शन स्पीड हो गया, कलर नोटिफिकेशन हो गया, सो आइकन इनकमिंग कॉल्स, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंक्लूड देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सेटिंग्स बहुत सारे मिलेंगे, कस्टमाइजेशन बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि आप जो सा MIUI 11 पे आ गए, लेकिन एंड्रॉयड 10 लेकर के आपको API लेवल एक्टिवेटेड किया गया, API आपका नया आ गया, लेटेस्ट आ गया। अगर आपको न्यू API चाहिए तो ज़रूर आप इसे यूज़ कीजिए, बट अगर आपको जैसे बस आप MIUI 11 देख रहे हैं तो आपको MIUI 11 सारे के सारे बिल्कुल सेम मिलेंगे। थोड़ा बहुत स्पीड का डिफरेंस होगा, जो कि मैं इसे अच्छे से यूज़ करने के बाद मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा कि क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है। ये सारा वीडियो आपको एक अलग डेडिकेटेड मिलेगा, जो कि MIUI 11 9 के ऊपर में, MIUI 11 Android 10 के ऊपर में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट, जी हाँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, मैं रोजाना आपके लिए इसी तरह से नया वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वंदे मातरम।